दोस्तों नमस्कार, एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज शनिवार का दिन है तो मैं पूजा करने के लिए शनिदेव सिद्धपीठ अल्मोड़ा बाजार आया हूँ। आज पूजा कर रहा हूँ यहाँ पर आके। ये है शनि देवता का मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे। दोस्तों यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए। शनि देवता का मंदिर है, सिद्धपीठ है, शनि सिद्धपीठ। दोस्तों ये है भैरवनाथ का मंदिर। भैरवनाथ और शनि देवता का मंदिर साथ साथ ही है। भैरव देवता का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, देखिए बहुत बड़ा सिद्ध स्थल है। जिसको भी सिद्ध अगर कोई मनोकामना हेतु आना है तो इस सिद्धपीठ में आकर के ही अच्छा रहता है। दोस्तों देखिए लोग आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं शनि देवता से। ये देखिए ये है शनि देवता का मंदिर, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर लोग पीपल की पूजा करते हैं। दोस्तों मान्यता है कि पीपल में पानी डालने से, दूध डालने से पितृदोष भी कटते हैं, इसलिए पीपल की पूजा भी की जाती है। दोस्तों मैं सुबह 5 बजे यहाँ पर आ चुका था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे, इसलिए मेरा पूजा का नंबर जल्दी से आ नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने पूजा कर ली है। दोस्तों पूजा करने के बाद अभी ये महिलाएं पुरुष आए हुए हैं, माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों मान्यता है कि जिसको राहु और केतु का जिस पे दशा होती है तो वो शनि देवता को खुश कर लें, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि राहु और केतु शनि देवता के ही अंडर रहते हैं, इसलिए शनि देवता को खुश करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने भी ठान ली है कि मैं भी शनि देवता के मंदिर में हर शनिवार को जा कर के पूजा पाठ करूँ और जितने भी हो सके सेवा करते रहें। दोस्तों यहाँ पर आगे जो सुकून मिलता है ना, मुझे यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है आया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। देखिए लोगों में कितनी श्रद्धा है। दोस्तों देखिए लोग, कई लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन नास्तिक होना सही बात नहीं है, क्योंकि मंदिर में पूजा करने से, सेवा करने से मानसिक संतुष्टि मिलती है। दोस्तों आज शनिवार का दिन है तो मैं शनि सिद्धपीठ चौहानपाटा अल्मोड़ा आया हुआ हूँ। पूजा पाठ मैंने कर ली है। दोस्तों काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि शनि देवता को खुश रखना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। शनि देवता को हमेशा खुश रखें, पूजा पाठ करें। अब मैंने पूजा पाठ कर ली है। अब दोस्तों सुबह पैदल ही आया था मैं, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर अब पैदल ही जाना है। देखिए दोस्तों मेरा लोकेशन है भी निकट गुसाई हॉस्पिटल अल्मोड़ा। ये देखिए शांत है बिल्कुल, सुबह का 5:30 बज चुका है। देखिए ताज़ी ताज़ी सब्जी उतर चुकी है शॉप पे, चौहानपाटा में शॉप। देखिए दोस्तों आर्मी के जवान सुबह सुबह दौड़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों पूजा करने के बाद अब जा रहा हूँ कमरे को पैदल पैदल मॉर्निंग वॉक के साथ। मैंने सोचा कि पूजा भी हो जाएगी और इसी बहाने मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। आज मैं बाई रोड जा रहा हूँ। ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा, सुबह नहा धो के आ गया था। दोस्तों आज मौसम, आज बादल लगे हुए हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है। देखिए ये जाती है कुकरी गेट आर्मी कैंट अल्मोड़ा, ये है छावनी परिषद अल्मोड़ा की तरफ। और ये देखिए, और ये जाता है हल्द्वानी वाली रोड। दोस्तों ना मैं डेली दौड़ता था, लेकिन आज पैदल चलने में भी इतना पसीना हो चुका है, सुबह से मैं काफ़ी चल चुका हूँ। क्योंकि खत्याड़ी से चौहानपाटा होता है कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पैदल, अब वापस जाना है उतना ही, तो 5-6 किलोमीटर मेरा आज भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारे आकाशवाणी वाली रोड हल्द्वानी वाली, और मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल आज मॉर्निंग वॉक के साथ। देखिए हरा भरा है चारों तरफ, और ये देखें ये पानी की टैंकी। देखें दोस्तों कितनी बड़ी टैंकी है, पूरी खत्याड़ी बेस के लिए पानी सप्लाई होता है इससे। दोस्तों शनि देवता को खुश करें, राहु केतु अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर हैं, उन्हीं के अधीनस्थ हैं राहु केतु शनि देवता के अंदर। इसलिए हमेशा शनिवार को मंदिर आ करके जो भी उनका विधि विधान है, जितना आपसे हो सकता है आप पूजा पाठ करें, तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। दोस्तों थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर भी जाना बहुत ज़रूरी है, जीवन को खुश रखने के लिए और आसान जीवन जीने के लिए, अपनी जितने भी पारिवारिक संकट हैं उनको दूर करने के लिए भगवान के चरणों में भी जाना कितना आवश्यक है, आप इससे समझ सकते हैं। एक बार करके देख लीजिए, आप जो है बजरंग बली के मंगल के व्रत ले सकते हैं और शनिवार के व्रत ले सकते हैं, और सूर्य भगवान को खुश करना है तो संडे के व्रत ले सकते हैं, संतोषी माता को खुश करना है तो माता महारानी को खुश करना है तो शनिवार शुक्रवार के व्रत ले सकते हैं। देखिए मैं पहुंच चुका हूं SSJ कैंपस गेट, ये है पीछे SSJ जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा।
हम जाएंगे नीचे की तरफ। आज पूरा पैदल मार्च होगा हमारा। कॉलेज परिसर पूरा देखिए, बिल्डिंगें हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं। ये तो पुरानी पड़ी हुई हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये वाले नीचे वाले। ये कॉलेज का जो है वॉलीबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे वॉलीबॉल होता है। ये सामने कॉलेज की बिल्डिंगें हैं सारी दोस्तों। गाड़ी अल्मोड़ा में पार्किंग की बहुत समस्या है, तो लोग देखिए ये ऐसे रोड के किनारे गाड़ी लगाए रखते हैं। देखिए कैसे लगा रखे हैं रोड के किनारे, तरतीबवार गाड़ियाँ सारी। ये मेन रोड में जगह है नहीं ऊपर दोस्तों, क्योंकि पार्किंग की रोड कंजेस्टेड है, तो ये लोग यहाँ पर ला के ऐसे लगाए रहते हैं। सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ से शुरू होता है देखिए। और अब आज हम जा रहे हैं यहाँ से नहीं जाके, यहाँ के आपको कॉलेज कैंपस दिखाते हुए चलते हैं। योग डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, पूरा मेन कैंपस में आ गया हूँ। अपर कैंपस है ये दोस्तों, देखिए यहाँ पर तिरंगा देखो फहराया हुआ है। और ये है चारों तरफ का कैंपस, ये इनका मेन ऑफिस है दोस्तों, महाकक्षे है देखिए। और ये यहाँ भी ऑफिस है दोस्तों, देखिए हमारी सुर सरिता, शारदा, माँ सरस्वती, सारे कॉलेजों में आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको सरस्वती माता की फ़ोटो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी है। विद्या दोस्तों, आप प्रातः का भ्रमण में बहुत मज़ा आ रहा है, अकेले हैं लेकिन साथ, कल साथ कोई है नहीं, क्योंकि अर्जुन मेहता जी का पता नहीं रहता है वो रहेंगे नहीं रहेंगे यहाँ। और जनोटी जी अभी बिस्तर में ही हैं, टाइम लगेगा उनको उबरने में, रिकवर होने में। तो आजकल अकेले अकेले ही चलता है, तो अकेले ही कहीं पर भी बस जहाँ जैसा मिल गया वैसे सुख ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदत डालना बहुत टफ हो जाता है। पहले पहले आदत बन जाती है, लेकिन आदत ज़्यादा बनने से फिर कठिनाइयाँ तो होती हो दोस्तों। ठीक है, ये कैंपस के नीचे से लोअर कैंपस की तरफ मकाने हैं, सारे मकानी मकान हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने कितना शानदार नज़ारा है, बारिश होने वाली है दोस्तों, बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो चुकी है। देखिए देखिए कॉलेज में एटीएम भी खुल चुका है, ये हिताची का, सभी बैंक कार्ड स्वीकार्य हैं। एटीएम में सुविधाएं बहुत अच्छी दे रखी है दोस्तों बैंक ने, क्योंकि कॉलेज के छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है कभी कभार। मार्केट यहाँ से दूर है, एटीएम भी दूर है, तो यहाँ लग चुके हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठने की पर्याप्त सुविधा दे रखी है, तो थोड़ा सा बैठ के सुकून आनंद ले लेते हैं आपके साथ बात करते हुए। ये है मेन रोड है जो मैं आया था शॉर्ट अंदर के रास्ते, मेन गाड़ी का रास्ता ये है दोस्तों। देखिए यहाँ से सिमकनी का शानदार नज़ारा है, देखिए सिमकनी में बच्चे खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं देखिए दोस्तों। और फील्ड बिल्कुल खाली है, आज पूरा भरा हुआ नहीं है। ये देखिए नज़ारा सामने का, बादल आसमान को छूते हुए और बारिश लाने के लिए तैयार होते हुए सारे बादल। और देखिए बहुत शानदार नज़ारा है अल्मोड़ा खतियाड़ी बेस कैंपस और SSA कैंपस का। देखिए देखिए दोस्तों, आहा, यहाँ पर बैठ करके देखने से ना दोस्तों बहुत मज़ा आ जाता है। ये मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ मिडिल कैंपस, SSA कैंपस अल्मोड़ा, ये मिडिल कैंपस है। तो दोस्तों उठ जाइए आप भी, अब उठ के बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत उजाला हो चुका है, सुबह का बज चुका है 6:30, क्योंकि आते जाते 6:30 हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए हाँ, तो दोस्तों हमारा आज रन वॉक काफ़ी हो चुका है, 5.5 से 6 किलोमीटर मैं पहुंचने वाला हूँ सिमकनी ग्राउंड। देखिए ये सिमकनी का ग्राउंड, पीछे पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये देखिए सामने है सिमकनी ग्राउंड। आज मैं पूरा ना जाते समय तो दोस्तों शॉर्ट गया, लेकिन आते समय पूरा लंबा घूम के आया, मैंने कहा मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप भी ज़रूर करना दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को अगर फिट रखना है, हेल्दी रखना है, और आपको हेल्दी रहना है। देखिए सिमकनी ग्राउंड का नज़ारा, इतनी घास जम चुकी है दोस्तों, बहुत घास हो चुकी है सिमकनी ग्राउंड में। ये देखिए और बारिश भी काफ़ी पड़ रही है, बूंदाबांदी फिर से होने लग गई है।
देखिए खेल रहे हैं। खेल आदमी का जीवन को कितना सुदृढ़ बनाता है वो आप खेल, तो दोस्तों खेल से ना आपके सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। आप एक घंटा खेल लीजिए, कोई भी गेम खेल लीजिए आप, तो आपके जीवन में काफ़ी महत्व है उसका। दोस्तों अगर आप स्वस्थ हैं ना, आप मस्त हैं, आप व्यस्त भी हैं, स्वस्थ नहीं हैं तो बिस्तर के साथ मस्त रहेंगे फिर। इसलिए उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए और अपना शरीर का ध्यान रखिए। देखिए मेरा शरीर फिर भी कितना पतला है, फिट लगता है, मुझे भी लगता है कि मेरा शरीर फिट है। अभी कोई दौड़ा ले, कितना भी दौड़ा ले, दौड़ने को हम तैयार रहते हैं और नए नए लड़कों से कंपटीशन कर सकते हैं जितना भी हो सके अपने हाथ से। ये कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं है दोस्तों, ये जो मुझे जानते हैं, जो लोग करीबी से मुझे जानते हैं, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, उनको पता है। तो मेरा ये मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग का ब्लॉग दिखाने का मतलब आपको यही होता है कि आपको एक मोटिवेशन दूँ और स्वस्थ रहने से, ये चीज़ें करने से आदमी के जीवन में क्या योगदान है इन चीज़ों का, तो इसलिए मैं आपको ये ब्लॉग देता हूँ। नहीं तो मुझे इतना ब्लॉग देने का कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जब मैं करता हूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग भी करें। मैं 100% करता हूँ तो आप 50% दे सकते हैं, 25% दे सकते हैं स्टार्टिंग में। धीरे 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 उसको बढ़ाते रहे, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी और आपका स्टेमिना बढ़ता रहेगा, तो आप खुद ही इन चीज़ों को जो है आत्मसात करेंगे दोस्तों। तो आज सुबह 4 बजे से अभी 7:45 बजे तक की यात्रा मैंने आपको दिखा दी है। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मिलूँगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।